गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, क्या ये आपके सिलेबस में कई बार आपको घूम फिर करके ये डिवाइस आपको मिल जाती है, ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक, ये क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आप लोग शुरू में जब अपने घरों पर टीवी देखते होंगे तो उसका क्या देख, अब तो LCD आने लगी है, LEDs आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या है, जब पहले की बात करते हैं तो जब हम लोग पुराने अपने जो टेलीविजन देखते थे वो कैसे होते थे, पीछे से बहुत ब्रॉड होते थे, ठीक, वो ब्रॉड होते थे। यदि आपने उनको कभी पीछे खोल करके देखा हो तो उसमें एक इस तरीके की ट्यूब बनी होती थी, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब यानी नाम से ही जैसे क्लियर है, क्या है, क्या कह रहे हैं हम लोग, कैथोड रेज ट्यूब यानी कैथोड रेज यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। कैथोड रेज कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी हम लोग को कैथोड रेज, ठीक। कैथोड रेज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, ठीक। रेज का मतलब सिंपली क्या, एक लाइन में, ठीक। और ट्यूब का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्यूब जिससे जिसमें से क्या जाने वाली है, एक तरीके की रेज बन रही है, एक तरीके की किरण बन रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्लियर। तो ये क्या करने वाली है, कैथोड रेज ट्यूब क्या है हमारी, जो एक तरीके की इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करने वाली ट्यूब होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करने वाली ट्यूब होती है। जब शुरू में कभी भी आप लोगों को क्या होता होगा, टीवी जब टीवी में सिग्नल नहीं आया करते थे पहले की टीवी में, तो आपने देखा होगा कि पूरी स्क्रीन में क्या होने लगता था, एक बबल्स की तरह एक खरखराहट की आवाज आती थी, पूरी स्क्रीन में क्या हो जाता था, बबल्स बनने शुरू हो जाते थे, ठीक। वो बबल्स क्या होते हैं, वो बबल्स होते हैं जब आप क्या करते, आपके यदि स्क्रीन में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं किसी स्क्रीन में तो उस समय जो इमिट होती है, जो लाइट इमिट होती है वो आपको दिखाई दे रही होती है, ठीक है, उस समय, क्लियर। और जब सिग्नल आते हैं तो वो इस तरीके से काम करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हम लोगों को यहाँ क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ गई इसकी, क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो टेस्टिंग है उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके की डिस्प्ले डिवाइस लगी होती है। क्या होती है, डिस्प्ले डिवाइस लगी होती है जो हमारे सिग्नल्स को क्या करने का काम करती है, डिस्प्ले करने का काम करती है, हमें उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने की क्या करती है, कोशिश करती है, ताकि हम लोगों का जो सिग्नल इंटरप्रिटेशन हो वो ईजी हो जाए, ठीक। तो वो या तो वीडियो मोड में होता है, जैसे कि हम लोग यदि अल्ट्रासोनोग्राफी कराने जाते हैं तो पेट में या एब्डोमेन की, तो या तो वीडियो के फॉर्म में दिखाई देना शुरू कर देता है, या फिर क्या होता है कि हम लोगों के क्या किसी तरीके ग्राफ के रूप में भी हम लोगों को ये चीजें नजर आती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या किस तरीके से काम करती है, हमारा मेन क्या है कि किस तरीके से कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप काम करती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उसमें होने वाली कैथोड रेज ट्यूब के बारे में जानते हैं कि भाई ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे मेन तीन एलिमेंट देखते हैं, एक हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गन। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होगा, टू इमिट इलेक्ट्रॉन बीम। क्या होने वाली है, यहां से आपकी इलेक्ट्रॉन गन से मिलने वाली है आपको एक इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक। डिफ्लेक्शन यूनिट क्या करती है, ये डिफ्लेक्शन यूनिट, यही डिफ्लेक्टिंग यूनिट जो है आपकी, ये क्या करती है, ये आपकी बीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, बीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम वहां से निकल रही है उसको कहां पे स्ट्राइक करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्राइक करना चाहिए, किस तरीके का आपका कलर बनाना है, ये सारा काम इन डिफ्लेक्शन यूनिट का होता है कि किस तरीके का वहां से सेफ जनरेशन होगा, वो कौन करा रहा है, ये डिफ्लेक्शन यूनिट करा रही होती है। तीसरी जो चीज होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसमें एक तरीके का फॉस्फर क्या होता है, फॉस्फोरस का क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे लेयर बना देते हैं, ठीक। तो ये इस फॉस्फर लेयर की खासियत क्या होती है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन वेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे लाइट इमिट होती है, सॉरी क्या होती है, यहाँ पे लाइट इमिट होती है, क्या होती है, लाइट इमिट होती है, ठीक, जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन में क्या होता है, चमक जनरेट होने लगती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो बेसिक तीन तरीके के, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, दूसरी डिफ्लेक्शन यूनिट होती है, और फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन में, तो इलेक्ट्रॉन गन में आपको दिखाई दे रहे होंगे तीन कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन की। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक आपका हीटर, दूसरा आपका कैथोड, और तीसरा होता है आपका एनोड, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है हीटर, क्या है, हीटर, ये क्या करने वाला है, हीटर,
हीट एनर्जी प्रोवाइड करना, क्या करना है इसका काम है, हीट एनर्जी प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, फिर आपका कैथोड क्या है, कैथोड का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या करने वाला है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कहां से, फ्रॉम हीटर एंड इमिट इलेक्ट्रॉन बीम, और क्या करने वाला है, इमिट इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन बीम्स का इमिशन करने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है, हीटर ने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी प्रोवाइड की किसको, कैथोड को, तो कैथोड क्या हुआ, हीट हुआ, जैसे हीटअप होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू करता है कैथोड, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं तो आगे क्या लगा हुआ है, एनोड, एनोड क्या करता है, ये क्या कराता है, एक्सीलरेट करता है, क्या करता है, एक्सीलरेट ऑफ दीज इमिटिंग इलेक्ट्रॉन, दीज इमिटिंग इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हुए हैं, इमिट हुए हैं, उनको क्या करने वाला है, ये एक्सीलरेट कराने का काम करेगा, क्योंकि ये कैसा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करने वाला है, ये पॉजिटिव की वजह से क्या होते हैं, उस तेजी इनमें क्या होती है, एक तरीके की मोशन जनरेट होती है, यानी एक पॉजिटिव फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये आगे की ओर क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। क्लियर, ठीक है, तो क्या क्या एक काम है हमारा, हीटर का, हीटर ने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, किसको प्रोवाइड की भाई, कैथोड को, कैथोड ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम का इमिशन किया। ठीक, और उस इलेक्ट्रॉन बीम को जो धीमे से यहां से कैथोड से निकले, तो उनमें किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता, बहुत कम मोशन होता है। ठीक, उसको मोशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एनोड करता है, उनको क्या कर देता है, एक्सेलरेट करता है, और तेजी से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों की जो अगली यूनिट है वो क्या है, डिफ्लेक्टिंग यूनिट। यदि बात करें अगली यूनिट है तो डिफ्लेक्टिंग यूनिट, तो डिफ्लेक्टिंग यूनिट में देखिए आपको पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, डिफ्लेक्शन प्लेट है। ठीक है, और दूसरी है आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, दो तरीके की आपके पास प्लेट्स हैं। क्लियर, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या है, यदि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो इसमें से निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। ठीक, ये क्या करती है, एक तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपने कर दी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखी है, क्या कर रखी है आपने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखी है, तो निश्चित तौर पे यहां से जाने वाली बीम जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या करने वाली है, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगी, कहां की ओर जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगी, यानी ये क्या करने वाली है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्स वर्टिकली, कहां पे, वर्टिकल पोजीशन की ओर मूव करती है। ठीक है, कभी भी लेकिन इसमें जाके टकरा नहीं जाती, क्या होता है इनकी इतनी ज्यादा स्पीड इस समय इंक्रीज कर चुकी होती है कि ये यहां टकराती नहीं, लेकिन क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पास से ऊपर की ओर, चल ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जिस तरफ आपकी पॉजिटिव प्लेट होगी उस हिसाब से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होकर के ऊपर या नीचे की ओर डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, इनको, इस इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट करती है, कौन करती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, यानी ये क्या करेगी, हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली डिस्प्लेस करने का काम करती है। वहीं यदि देखा जाए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की बात करें तो यहां देखिए इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, यानी इस तरीके से होगी। अब इलेक्ट्रॉन बीम जब इसको ऐसे समझिए कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है तो एक ऐसे होगी, दूसरी किसी एंगल पे होनी चाहिए, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच से गुजरने वाली है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक, अब ये क्या काम करने, ये वर्टिकल है, कैसी है, ऐसी है। ठीक है, इस तरीके से समझिए, ये वर्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच से पास कर रही है। ठीक है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये मेरी एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इनके बीच से ये इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है मेरा। ठीक, अब निश्चित तौर पे जब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप कर रखी है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है, इधर की ओर हमारे मूव करने की कोशिश करते हैं, जिस तरफ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी, यानी या तो ये इधर या तो इधर,
ऐसे ऐसे मुंह या तो इधर की ओर जाएंगी या तो इधर जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी उस तरफ की ओर मुंह करेगी। तो ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या करती हैं, जो वर्टिकल प्लेट होती हैं ये करती हैं डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में इनको डिफ्लेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक, और फ्लोर तीसरा कंपोनेंट है हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि सिंपली क्या करने वाली है। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ से डिफ्लेक्ट होके गई है ऊपर या नीचे या हॉरिजॉन्टली, ये पूरी स्क्रीन को क्या करती है, कवर करते हुए उसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है। और जब ये टकराती है तो क्या, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी वहां वहां पे क्या होगा, लाइट इमिट होती है और हमें स्क्रीन में कुछ ना कुछ नजर आने लगता है। अब ये तो हो गया इसके बेसिक फंक्शन, लेकिन अब हमें जो सिग्नल मिल रहे होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, कभी हमें फिगर दिखाई देता है, कभी किसी के जो साउंड होती है वो दिखाई देती है, या फिर यदि हम लोग अपने अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हमें या तो वीडियो मोड दिखाई देता है या फिर इस तरीके से कर्व बनते हुए दिखाई देते हैं स्क्रीन में, वो कैसे बनते हैं। ठीक, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, सबसे पहले हम लोगों ने सबके बेसिक एलिमेंट्स तो देख लिए। अब हमारा मेन टारगेट है कि भाई यदि ये ठीक है कि काम तो ये कैथोड का काम है, इलेक्ट्रॉन इमिट करना का, एनोड का काम है भाई तेजी से इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना, ये डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे स्क्रीन पे टकराएगी। अब ये इमेजेस कैसे बन जाती है इस बारे में बात करते हैं, यदि इमेजेस कैसे बनती है इस बारे में जानना है तो हम लोग अभी हम लोगों का डिस्कशन क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मुझे पता है कि एक क्या मैंने बताया, जब एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे तो मैंने कहा था एक एम्पलीफायर सर्किट होता है, क्या होता है, एक एम्पलीफायर सर्किट होता है, तो जो भी सिग्नल आते हैं वो सारे सिग्नल आप उस एम्पलीफायर सर्किट को दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आपने जो जो भी आपको सिग्नल मिला, जो भी वोल्टेज फॉर्म में आपको सिग्नल मिला, आपने वो क्या कर दिया, एक एम्पलीफायर को दे दिया। एम्पलीफायर का काम आपको पता है क्या करने वाला है, ये अब सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, यानी उनके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। ठीक, तो जब ये मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, उस सिग्नल के जो सिग्नल को इसने एम्पलीफाई किया, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट तो सीधे जाता है वर्टिकल प्लेट की ओर, कहां की ओर जाता है, एक पार्ट जाता है वर्टिकल प्लेट की ओर, किधर, किस ओर, वर्टिकल प्लेट्स की ओर, एक पार्ट तो हमारा सिग्नल लेके चला गया वर्टिकल प्लेट्स की ओर, दूसरा पार्ट जो होता है वो जाता है यहां से ट्रिगर सर्किट की ओर, किधर, ट्रिगर सर्किट की ओर। ट्रिगर सर्किट क्या है, एक तरीके का ये समझिए स्विच की, क्या है ये स्विच, ठीक है, तो ये ट्रिगर सर्किट की ओर जाएगा, इसको ऑन करेगा और इससे कनेक्ट होता है एक तरीके का जनरेटर। जनरेटर मतलब क्या कि किसी तरीके का एक ऐसा एलिमेंट जो इस सप्लाई को लेने के बाद क्या करेगा, उससे अपने आप को ऑन करेगा। ठीक, एक तरीके से क्या करेगा, ऑन करेगा और क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, वो सिग्नल कहां जाएगा, सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के उसमें जाता है। क्लियर, तो क्या होता है, सबसे पहले जो सिग्नल आया उसको हमने कहा वर्टिकल एम्पलीफायर के पास दिया, वर्टिकल एम्पलीफायर का काम है उस पूरे सिग्नल को क्या कर दिया, उसने उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। ठीक, उसके दो पार्ट किए, एक हिस्सा तो उसने सीधे सीधे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को दे दिया, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को जैसे ही दिया तो उसने जो सिग्नल उसे मिला था उसके हिसाब से ये क्या करने वाली है, अभी अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किसी भी तरीके से इसको क्या करने वाली है, हमारी बीम को दिखाने वाली है। ठीक, क्लियर, हमारी बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कराने वाली है, मूव कराने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये हमारा अब जो दूसरा सिग्नल है वो क्या है, वो वो सिग्नल जाता है स्वीप ट्रिगर की ओर। ट्रिगर क्या मतलब, सिंपली ऐसे कोई चीज डिवाइस जो एक्चुएट करने वाली है। ठीक, जैसे ही ये सिग्नल इसे मिलता है ये सिग्नल ट्रांसफर करता है हमारे एक तरीके से जनरेटर को। जनरेटर का मतलब क्या कि एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी, सिग्नल को लेगी और यहां से एक तरीके का क्या जनरेट करती है, एक 100 सिग्नल जनरेट करती है। क्या करती है, एक तरीके का 100 सिग्नल जनरेट करती है। ठीक, ये सिग्नल किसको, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दे दिया जाता है। ठीक, जो सिग्नल यहाँ ट्रिगर जनरेटर ने जनरेट किया उसको क्या, किसे दे दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर वो सिग्नल लेकर के पहुंचा देता है किसको, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को, किसको दे देता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को प्रोवाइड कर देता है। क्लियर, तो क्या हुआ, जो सिग्नल यहां से आया उसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर ने किया और उसको क्या कर दिया, उसने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो मेरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, ये जो सिग्नल है वो जो इस तरीके का सिग्नल जनरेट करती है कि ये सिग्नल
कैसा होता है? फंक्शन ऑफ टाइम होता है। कैसा होता है? फंक्शन ऑफ टाइम होता है। कैसा होता है ये सिग्नल? फंक्शन ऑफ टाइम का एक सिग्नल जनरेट कर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, अब इनको जो 100 सिग्नल मिला है, उस 100 सिग्नल से अब ये हमें यहाँ पे सिग्नल मिला है जो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या करती हैं ये टाइम, एक यूनिफॉर्म टाइम स्केल जनरेट करती हैं। ये क्या कर देती हैं? यूनिफॉर्म टाइम स्केल जनरेट करती हैं। और यदि इस तरीके से बात की जाए तो ये हमारी एक्स एक्सिस को निर्माण कर देती हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट क्या करती हैं? एक्स एक्सिस को बनाती है और यहाँ पे क्या होता है? यूनिफॉर्म टाइम स्केल जनरेट हो जाती है, ठीक। और यहाँ पे ये जो सिग्नल है, जो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये उसी तरीके से जो सिग्नल है उसको हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें दिखना शुरू कर देता है। यानी ये वर्टिकल प्लेट वाई एक्सिस को और हॉरिजॉन्टल प्लेट एक्स एक्सिस का निर्माण करती है, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है वो हमारी यूनिफॉर्म टाइम स्केल को जनरेट करती है 100 सिग्नल के हिसाब से, और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है ये क्या करती है, जिस तरीके का उसे यहाँ से सिग्नल मिला होगा उसको फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में एक तरीके की बीप बनाने का काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मेरा ये कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप हमें क्या करता है, हमारे स्क्रीन पे हमें सिग्नल डिस्प्ले कर देता है जो इस फॉर्म में होता है, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से अदर भी उसमें होते हैं, जैसे हम लोग घरों में टीवी हुआ करती थी तो वो भी इसी तरीके से होता था कि जो एंटीना होता था, एंटीना से क्या होता था, वो पूरा सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर को भेज दिया जाता था, ठीक। वर्टिकल एम्पलीफायर उस सिग्नल, जैसा सिग्नल उसे मिला है उस सिग्नल को दे देता था वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को एम्पलीफाई करके, ठीक। और फिर कुछ हिस्सा वो हॉरिजॉन्टल को दे देता था, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट आपस में इस तरीके से कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बनाती थी कि हमें स्क्रीन में जो टू डायमेंशनल फिगर है वो पूरी तरीके से नजर आना शुरू हो जाता था, क्लियर, ठीक है। और फिर कलर का सिस्टम लेकिन अलग होता था, ये हम सिंपली क्या ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो जनरेट होता था वो सिंपली यही जनरेट कर देती थी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर कलर का जो सिस्टम आया वो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, और एम्पलीफिकेशन हुए इसमें, तब फिर उस कलर का सिस्टम भी इसमें जनरेट होना शुरू हुआ, क्लियर, ठीक है, दिखाता है, ठीक है। अब हम लोगों को मेनली जो देखना है वो क्या क्या कि भाई एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो, क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में इसके, तो जो एप्लीकेशन है वो उसके बारे में सबसे पहले तो क्या करती है, कंपेयर करने का काम करती है, कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। क्या करेगी, कोई भी दो फ्रीक्वेंसी यदि अलग अलग उसे आपको सिग्नल दे रहे हैं तो डिफरेंट या टू से ज्यादा क्या कर लीजिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो क्या करने वाली है, जो आपको सिग्नल मिले हैं उन सिग्नल्स के हिसाब से जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं उनको क्या करने वाली है, कंपेयर कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, किस तरीके की शिफ्ट इन फेजिंग हो रही है, शिफ्ट इन फेज की यदि आप मान लीजिए जो हम लोगों को सिग्नल मिल रहे हैं, जो हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल और जो हमें मिला सिग्नल उनमें किस तरीके का अंतर है उसके बारे में भी ये क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, बिहेवियर, जो हमारी बीट्स मिल रही हैं तो उनके बिहेवियर को भी एनालाइज करती है, तो बिहेवियर्स स्टडी ऑफ सिग्नल्स के बिहेवियर को भी स्टडी किया जा सकता है, और किस लिए, ठीक। और इसमें मीजरिंग ऑफ सिग्नल्स, जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं उनका मेजरमेंट कर सकती है, उनके बिहेवियर को चेक कर सकती है, उनमें किस तरीके का अंतर आया है, क्या शिफ्ट हुए हैं उनके फेज में, वो चीज मिल सकती है, और क्या कर सकती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के रिजल्ट्स को भी आपस में क्या कर सकती है, कंपेयर करने का काम कर सकती है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, ठीक, क्लियर। इसके बाद हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो बचता है केस स्टडी, ठीक, क्या किस तरीके के केसेस में हम लोगों का अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, थैंक यू।